अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान को करना चाहिए था होस्ट होने की वजह से, वो चीज इंडिया ने की, बहुत पहले की, वक्त पर की और आगे बढ़ गया। आज इंडिया की वाह वाह हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी नाअहली और अपनी सुस्ती की वजह से पछता रहा है। क्या हुआ है एशिया कप के ऊपर, इंडिया ने किस तरह मामला को अपने हाथ के अंदर ले लिया है। जो काम पीसीबी को करना चाहिए था वो काम इंडिया ने किया है, कैसे किया है, पीसीबी की कहां नाअहली है, कहां उसकी सुस्ती है, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। पीसीबी के खिलाफ लॉबिंग, श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारत का साथ देने को तैयार हो गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। पीसीबी की नाअहली इस खबर के अंदर छुपी हुई है, जरा खबर सुनिए। एशिया कप के लिए भारतीय बोर्ड अपनी हठधर्मी कर कायम है, इस तरह तो बोलना ही पड़ेगा हमको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के लिए हतमी इजलास महज एक रस्मी कार्रवाई होगा, यानी कि बैठेंगे, डिस्कशन होगा, कोई फायदा नहीं, जो कुछ हो चुका है वही होगा। जराए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में लॉबिंग मुकम्मल कर ली है। इस वक्त जब पाकिस्तान लॉबिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया जो है वो लॉबिंग मुकम्मल करके बैठा हुआ है। और जिस वक्त पाकिस्तान को लॉबिंग करनी थी उस वक्त बैठे हुए सुट्टे मार रहे थे, शराबें पी रहे थे और मजे से अपना तन धान के मीडिया के अंदर आकर जो है बयान देते थे, इंडिया को बुरा भला कहते थे, गालियां देते थे, अपने बंदों को लगवाने के लिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोशिशें करते थे, पैसे पकड़ते थे, लोगों से रिश्वतें लेते थे। और उसके बाद जो है पीसीबी के मामला, किसको हटाना है, किसको लगाना है, मेरा दौर जो है वो ज्यादा हो जाए, मुझे पूरी पावर मिल जाए, इन चक्रों के अंदर आप लगे हुए थे। जिस वक्त आपको लॉबिंग करनी थी उस वक्त इंडिया लॉबिंग कर रहा था और आप अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जिस वक्त आपको ये करना चाहिए था। आपको अभी भी नहीं पता कि आप कितने दिन तक हैं, कितनी देर तक हैं। पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को इंडिया ने मानने से इंकार कर दिया है। पहले ही सरबराज जे शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप का एक भी मैच करवाने को तैयार नहीं है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के लिए सख्त मौके इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मोदी साहब की जो हुकूमत है उसने ये कहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, मन के रखो, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई झोल ना दो, किसी किस्म की कोई रियायत ना दो। जरा के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान के ना खेलने की धमकी से भी जेशा को कोई फर्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तान की एशिया कप में अदम शिरकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया जाएगा, इस तरह की कोशिश हो रही थी लेकिन ACC ने उसको रोक दिया था। 5 मुल्क की टूर्नामेंट कोई नहीं होगा, वर्ल्ड कप के और एशिया कप के ऊपर बात होगी। जे शाह ने एशिया कप की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को भी चुप करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। जे शाह का एशिया कप में पाकिस्तान की अदम शिरकत से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के माली नुकसान का अजाला भारतीय सीरीज में करने का मंसूबा भी सामने आ गया है। लेकिन कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं आया और ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हुआ तो वो नुकसान भी इंडिया पूरा करेगा, पूरी प्लानिंग की हुई है। एशिया कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश भी जय शाह के मौकिफ के साथ देने के लिए तैयार हैं। एशिया कप की मेजबानी के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश ने जय शाह को अपनी दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। यह है भारत का कमाल, यह है भारत की लॉबिंग का नतीजा, यह है जागने का अंजाम, यह है काम करने का नतीजा, ये सामने आता है। अगर आप रिवायती सुस्ती करते रहेंगे, अगर आप अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करते रहेंगे, क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपने बंदों को भरने की कोशिश करते रहेंगे और सुस्त रहेंगे, पूरा रमजान आपने बातें करते करते गुजार लिया, मीडिया के अंदर आकर फूंफा करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, उसका नतीजा आपके सामने है। अब आप जा रहे हैं दुबई, वहां पर आप फेस सेविंग के लिए किसी तरह कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए, मुझे कोई कागज का टुकड़ा मिल जाए जिसके ऊपर मैं एक गारंटी को दिखाकर पाकिस्तान के अंदर अपनी फेस सेविंग ले लूं और एशिया कप तो मेरे हाथ से गया ही है, वर्ल्ड कप के अंदर मैं शिरकत कर लूं किसी ना किसी मुंह से। इसके लिए अब आप तगोदो कर रहे हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं, रिवायती सुस्ती और नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था जो इंडिया कर रहा था, जैसे ही इंडिया ने ये वाली बात की थी जय शाह साहब ने पिछले साल अक्टूबर के अंदर, जो हमने देखा पिछले से अक्टूबर से भी पहले, पिछले साल की बात है, उस वक्त जय शाह ने सब जब ऐलान किया था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा एशिया कप के लिए और एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा, उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने बड़ी फूंफा की थी, हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे और ये होगा वो होगा। यही चीज जो है उनके बाद वाले चेयरमैन जो है रमीज राजा साहब के बाद जो नजम सिद्दीकी साहब आए, उनको भी, उन्होंने भी शुरू में तो मोहतात रवैया इख्तियार किया लेकिन उसके बाद वो भी रमीज राजा की पटरी के ऊपर आ गए कि हम ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि दबाव के अंदर लोग आ जाएं। इस तरह आपके दबाव के अंदर नहीं लोग आते,
अगर आप सही हैं आपको किसी को दबाव में लाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको बांग्लादेश श्रीलंका इनसे इंडिया के बात करने से पहले आपको इनसे बात करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की, आप सिर्फ इंडिया को डराने के चक्कर में लगे हुए थे। और इंडिया अपने आप को मजबूत कर रहा था, अपने खिलाड़ियों को अपने आड़ियों को ज्यादा करने की कोशिश कर रहा था, वही इंडिया ने किया। आज अगर आप सही भी हैं, एशिया कप आपकी मेजबानी के अंदर होना है और अगर आप सही भी हैं तो फिर बांग्लादेश और श्रीलंका आपके साथ क्यों नहीं है? अगर आप इतने सही हैं आपको उनको बताना चाहिए था ना। आप जरूरी नहीं है सिर्फ ये कि आप सही हैं तो सब आपके साथ होंगे, आपको लोगों को ये बताना भी पड़ेगा कि भाई मैं सही हूं, ये पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर मैं अपनी बात सही साबित कर रहा हूं, ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दूसरा जो है वो गलत है। आपको दूसरों के सामने चॉइस रखनी चाहिए कि अगर फर्ज करें श्रीलंका और बांग्लादेश अफगानिस्तान ये तीन ममालिक हैं, इनके पास जाकर आप पहले अपने आप को सही साबित करें उसके बाद दूसरे को गलत साबित करें, तभी तो वो आपके पास आएंगे, तभी तो आपको सही बोलेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप समझते थे मैं सही हूं पूरी दुनिया मेरे साथ है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हुआ है। इंडिया गलत होने के बावजूद भी बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने पास रख के बैठा हुआ है, क्या वजह है इसकी? लॉबिंग, इसको कहते हैं काम। अब आप कहेंगे हठधर्मी है, धोखाधड़ी है, ये है वो है, इसी तरह दुनिया के अंदर काम होता है। अपने आप को सही साबित करो, इंडिया ने साबित कर दिया होगा या फिर इंडिया ने कुछ दे दिला दिया होगा, आपके पास तो अपने पल्ले खर्च करने के लिए नहीं है, आप किसी और को क्या देंगे, क्या गारंटी देंगे? इसीलिए तो आप दुनिया के अंदर तन्हा हुए हैं। इंडिया ने कोई ना कोई गारंटी दी होगी, आगे कोई सीरीज भी रखी होगी, कोई ऐसी बात भी की होगी बांग्लादेश और श्रीलंका को कि आने वाले दिनों के अंदर, अगले साल के अंदर या फिर आगे चलकर हम आपको सेटलमेंट कर देंगे, आपको हम जरा सा लिहाज कर लेंगे इस वक्त अगर आप हमारे साथ आ जाएं पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया अपने साथियों का इजाफा कर रहा है, बांग्लादेश उसके साथ आ गया है, अफगानिस्तान भी मुझे लगता है कि उसके साथ ही है, बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका और दीगर टीमें जो हैं अब वो एशिया कप के मामले के ऊपर इंडिया के मौकिफ की तायद कर रही हैं कि इंडिया बिल्कुल सही है। ये काम आपको करना चाहिए था, ये काम आपको इस साल के शुरू में जब आपको ये सीट मिली थी उस वक्त आपको ये काम कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने सुस्ती का मुजाहरा किया। आप पता ही क्या कर रहे थे, जो सलीम खालिद साहब जो एक्सप्रेस न्यूज के लिए लिखते हैं उन्होंने अपने कॉलम के अंदर जो आपका चेहरा दिखाया है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आप जो हैं वो लोगों को अपने बोर्ड के अंदर अपनी बोर्ड के सीट्स जो हैं जो जॉब्स हैं वहां पर रमीज राजा के लोगों को निकालकर आप अपने लोगों को भर रहे थे। जिस वक्त आपको लॉबिंग करनी चाहिए थी एशिया कप के लिए उस वक्त आप बोर्ड के अंदर अपने बंदे भरने के चक्कर के अंदर लगे हुए थे, आप क्या लॉबिंग करते? अभी भी आपको ये नहीं पता नजम सिद्दीकी साहब कि आप कब तक हैं, अभी हुकूमत ने आपको इतना इख्तियार नहीं दिया, आप मुकम्मल तौर पर चेयरमैन नहीं हैं, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबरा हैं, हुकूमत ने आपको चेयरमैन का ओहदा नहीं दिया है, वो मामला डिले कर दिया है हुकूमत ने, और हो सकता है अभी अगर इंतखाबात हो जाए तो आपकी सीट भी जा सकती है। आप अपने बंदों को भरने के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं, एशिया कप को आपने पीछे छोड़ दिया है, पूरा रमजान आपने ये कहते हुए गुजार दिया कि हम अवामी उमंगों के हिसाब से चलेंगे। मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी और पूछा था नजम सिद्दीकी साहब अवामी उमंगे क्या हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था। अवामी उमंगे क्या हैं, अवाम क्या चाहती है, ये नजम सिद्दीकी साहब को कौन कान में आकर बताएगा कि पूरे पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है एशिया कप के ऊपर? जनरल सेठी साहब ने बोल दिया कि अवामी उमंगे जो होंगी उसके ऊपर हम फैसला करेंगे। अब जा रहे हैं गारंटी के लिए इंडिया के पास और आईसीसी के पास, आपको गारंटी मिल जाए, फेस सेविंग मिल जाए, वर्ल्ड कप का तो बॉयकॉट आप कर नहीं सकते। हुकूमत से आपने पूछवाया है और जवाब जो आप मर्जी चाहते हैं वही जवाब आ जाएगा, अगर कोई और जवाब हुआ तो आप अपनी मर्जी का जवाब उसको बनाकर पेश कर देंगे। हुकूमत की तरफ से ये आया है, हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि हमको वर्ल्ड कप खेलने जाओ, हम मजबूर हैं, आप अपने आप को इस तरह बाहर निकाल देंगे, हम अपने मौकिफ के ऊपर डटे हुए थे, हम बिल्कुल इंडिया को नीचे गिरा चुके थे, लिटा चुके थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये वाली बात कही गई, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बात है, आपको एशिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा, आईसीसी का मामला है, वरना हमने तो जंग जीती हुई थी, हम तो बहुत आगे थे, हम तो बिल्कुल जीतने वाले थे, हुकूमत की तरफ से हमारा मामला जो है वो खराब हो गया, अब हमको टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया भेजनी है, ये आपकी फेस सेविंग होगी। इसलिए आप जो है अब गारंटी के बाद चीजों के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें। यह तैयारी आपको जनवरी फरवरी के अंदर करनी चाहिए थी, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामले के ऊपर
इंडिया के मामले के ऊपर और बांग्लादेश और श्रीलंका को जो अपनी तरफ करना था उनके बोर्ड्स को, या तो खुद जाते उनको बुला लेते, कहीं मिल लेते एक जगह, आपको ये लॉबिंग करने का मौका मिल जाता, आपने कुछ भी नहीं किया। ये होती है नाअहली, इसे कहते हैं रिवायती सुस्ती। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर पीछे है। उसकी वजह मेन यही है कि पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी सीट्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदे हैं, वहाँ पर नाअहल लोग बैठे हुए हैं। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो इस हाल के अंदर है। ऐसे नाअहल नालायक लोग अगर किसी मुल्क के बड़ी सीट के ऊपर बैठे होंगे, बड़े ओहदे के ऊपर बैठे होंगे, तो वो मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। आंखें खोलिए, अहल लोगों को उन सीटों के ऊपर बैठाइए। सब जानते हैं नजम सिद्दी साहब नवाज शरीफ के आदमी हैं, सब जानते हैं जका अशरफ साहब जो पिछले आए थे वो जरदारी साहब के आदमी हैं। ये जब आदमियों का खेल चलता रहेगा ना, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरक्की नहीं कर सकता। राइट बंदा आना चाहिए, जैसा कि शहरयार खान साहब थे, काम करना आता था, अपनी इज्जत करवानी आती थी, अपनी भी इज्जत करवानी आती थी, मुल्क की भी इज्जत, क्रिकेट बोर्ड की भी इज्जत करवानी आती थी। जरा जाकर देखें कारदार साहब के दौर के अंदर किस तरह की चीजें होती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आरिफ हसन साहब के दौर के अंदर किस तरह की चीजें होती थी, कोई उफ नहीं कर सकता था। इस तरह की बेहतरीन बात करते थे, अपने काम के अंदर मुखलिस थे, नाअहल नहीं थे आपकी तरह। जरा आप पीछे जाकर देखें, इन लोगों से ही मशवरा कर लें, तौकीर जिया साहब से बात कर लें, जरा उन लोगों से बात कर लें, किसी से मशवरा कर लें, अगर आपको नहीं आता। आपकी नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किस हाल के ऊपर पहुंची है, ये सब देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि किसकी नाअहली की वजह से है। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है गेम और किसकी नाअहली की वजह से मामला यहां तक फंसा है। एशिया कप अब क्या कुछ हो सकता है, मुझे लगता है इंडिया की पूरी लॉबी जो कामयाब हुई है, एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाएगा। पाकिस्तान को अभी भी चाहिए कि एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू का खुद से ऐलान करे और शिरकत करे, बेहतरीन तरीके से इसका इनेकाद करवाकर पैसे हासिल करे, वरना आपकी रिवायती नाअहली जो है वो मुल्क को और क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट को पाकिस्तान की कहीं का नहीं छोड़ेगी। किस हद तक आप मुतमइन हैं इस बात से और किस हद तक जो मैंने सच आपको बताया है ये आपको सही लगा है और आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और बताइएगा कि क्या कुछ आपके मन के अंदर चल रहा है। एशिया कप जो है मुझे लगता है न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान को खुद ऐलान कर देना चाहिए, नहीं किया तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। वीडियो आपने देखी है, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और दूसरा ये कि अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइए कि आपके मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।